So guys, आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन अंडर 20,000। और आपको भी पता है अभी के टाइम पे सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल वाले स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक परफेक्ट टाइम है। और आपको भी पता है सैमसंग अपनी कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ उनके अंदर कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच की मिलने वाली है, जिनके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, इवन कुछ स्मार्टफोन में आप 60fps की गेमिंग कर पाओगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भाई कौन कौन से स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो कि हमने दो स्मार्टफोन को ऐड करा है, सैमसंग गैलेक्सी M15 और एक और है F15। देखो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस का काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों में से किसी स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम बात करने वाले M15 के बारे में, जो कि आपको सस्ता भी देखने को मिलेगा और एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। देखो यहाँ पर अगर आप इसको हाथ में पकड़ दो ना तो बड़ा और भारी स्मार्टफोन फील होगा, एंड डिजाइन भी सही मिल जाती है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 9 हर्ट्ज के साथ मिल जाती है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि एक वाटरड्रॉप नॉच के साथ मिलती है, जो कि एक माइनस पॉइंट लगा। लेकिन इस बजट के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है, जो कि एक प्लस पॉइंट। कैमरा इस फोन का मेरे को सही लगा, क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो बैक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको मिलता है भाई मीडिया टेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला चिपसेट है, यानी जो एक्जिनोज वाले चिपसेट है ना उनसे बेटर यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इवन इसके अंदर कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, सिंगल स्पीकर है, एंड 6000 mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो चार्जर तो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, अलग से बाई करना पड़ेगा। बाकी क्या यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए सैंड माउंट फिंगरप्रिंट है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 4GB RAM 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको इस सेल के दौरान 10,299 रुपए के अंदर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड जो सैमसंग का F15 है वो आपको 11,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कंसीडर करो। एंड इसके अलावा आपका जो तीसरे नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो है कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन है। वैसे जनरली ये लॉन्च हुआ था 20,000 के अंदर, लेकिन अभी डिस्काउंट पे आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस फोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट वो इसकी बैटरी एंड कैमरा, जो कि टॉप नॉच के देखने को मिलते हैं। जिसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें, डिजाइन यहाँ पर आपको अच्छी मिलती है, 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120Hz के साथ मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड आउटडोर के लिए आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो पंचोल कटआउट के साथ मिलती है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे भी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन चिन और बेजल्स है ना वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ कैमरा इसका मेरे को काफी टॉप नॉच का लगा, क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ मिलता है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी। अच्छी बात यह कि इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो कैमरा क्वालिटी है वो डे लाइट हो, इनडोर हो, आउटडोर हो, काफी अच्छा वर्क करता है। हाँ, कह सकते हैं अगर आपको एक ब्लॉगिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड इसके अलावा माइनस वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको Exynos 1380 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि मल्टीटास्किंग नॉर्मल यूजर्स के लिए अच्छा रहेगा। इवन इसके अंदर आपको 5 से 6 लाख के आसपास स्कोर मिल जाता है, एंड 60fps की गेमिंग आप इसके अंदर खेल सकते हो, पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं खेल पाओगे। एंड इसी के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एंड सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 6GB RAM 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 14,000 के अंदर देखने को मिल जाती है अभी के टाइम पे। तो ये एक बेस्ट डील है आपके लिए सैमसंग की तरफ से, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपका जो सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो है कि सैमसंग गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन है। वैसे मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इस बजट के अंदर आता है तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड इसकी डिजाइन आपको सिंपल देखने को मिलती है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120Hz के साथ मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी वो मेरे को एवरेज लगी, क्योंकि चिन और बेजल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड कैमरा भी मेरे को इसका एवरेज लगा, क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का एंड 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो बैक कैमरे से 4K एंड फ्रंट कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसी के साथ आपको Exynos 1280 वाला चिपसेट मिल जाता है, यानी मल्टीटास्किंग नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। एंड इसी के साथ आप 5000 mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो चार्ज अलग से बाई करना पड़ेगा। एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 8GB RAM 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक वैल्यू
फॉर मनी स्मार्टफोन है, आपके पैसे बेकारी वेस्ट चले जाएं, तो जो मैं नहीं चाहता हूं। एंड इसके अलावा नंबर वन वाला स्मार्टफोन है जो है कि सैमसंग गैलेक्सी M55S देखो। एंड इसके अलावा दो और स्मार्टफोन है F55 एंड M55। तीनों ही स्मार्टफोन आपको सेम फीचर देखने को मिल जाते हैं, बस ये फर्क है कि आपको डिजाइन अलग अलग देखने को मिलती है एंड प्राइस अलग अलग देखने को मिलती है। जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है वो यही है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें, देखो डिजाइन आपको अच्छी मिल जाती है, काफी स्लिम स्मार्टफोन है क्योंकि 7.8 mm की थिकनेस है, 180 ग्राम का स्मार्टफोन है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.7 inches की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz के साथ मिल जाती है। एंड आउटडोर के लिए आपको 2000 nits की पीक ब्राइटनेस है, तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कलर्स डिटेल्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ कैमरा काफी अच्छा मिलता है क्योंकि मेन कैमरा 50 megapixel का एंड 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, एंड इसके फ्रंट में आपको 15 megapixel की सेल्फी है, यानी इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड देखो डे लाइट कंडीशन में अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं, थोड़े से म्यूटेड टाइप के देखने को मिलते हैं, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो मेरे को काफी अच्छी लगी। यानी कह सकते हैं कि अगर आपको स्टेबिलाईजेशन वगैरह वाला स्मार्टफोन चाहिए इस बजट के अंदर जो बेस्ट हो वीडियो क्वालिटी, यानी अगर आपको इस बजट के अंदर एक बेस्ट वीडियो क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी का यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला चिपसेट है, यानी अगर आपको इस बजट के अंदर एक स्नैपड्रैगन के साथ एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देखो परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को अच्छी लगी, इवन यहाँ पे आप 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 5000 mAh की बैटरी, 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, एंड सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 8GB RAM 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको 18,000 के अंदर देखने को मिल जाती है। Amazon पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। देखो इस फोन को मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करूंगा जिनका बजट 20,000 के आसपास और उसके अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, कैमरे के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी हो एंड डिस्प्ले अच्छी हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने आपको 4 स्मार्टफोन को सजेस्ट करा है, तो कंफ्यूजन तो हो गया होगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन है। वैसे यहाँ पे सीधे सीधे है कि तीनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो अलग अलग है। 10 से 12,000 के अंदर आपको M15 लेना है एंड 15,000 के अंदर आपको M35 लेना है और 20,000 के अंदर आपको M55S लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता है अगली वीडियो के अंदर।